जामियतर रफ़ी की सालाना तकरीब तक्रीब कराम से तजदीद तल्ल़ का मौका जामत और रफ़ी की मादर इलमी का पहला सालाना इजमा दस नवंबर चौदह सौ छियालीस हिजरी को मनकद होने जा रहा है जिसमें फ़जला कराम को तजद तल्लक़ और अपने इस कराम से रहनुमाय हासिल करने का मौका दिया गया है इस अजतमा का मकसद फजल कराम के माबे रब्त को मज़बूत बनाना और जदीद इलमी फिक्री व फी मौजुआत पर तबादला ख़्याल करना है सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक जारी रहने वाली इस तकरीब में हजरत मौलाना सलीमुल्ला साहब की तरफ से तमाम फजल कराम को शिरकत की दावत दी गई है ये अजतमा टमन रोड सिंगवाला जिला तलागंग में मनकद होगा दूसरी अहम खबर शामिल करें हज़रत कारी नईमुल्ला खान मुल्तानी की अहलिया के जनाज़े में सैकड़ों अफराद की शिरकत तलेगान से ताल्लुक़ रखने वाले नईमुल्ला खान मुल्तानी की अहलिया मोतरमा का गुज्तर रोज़ ट्रैफिक हादसा में इंतकाल हो गया उनकी नमाज जनाजा सगर में अदा की गई जिसमें पंजाब भर से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की इस मौका पर अमीर मरकज़ी इशात इशातुल व सुन्ना हजरत मौलाना कारी कलीमुल्ल खान मुल्तानी ने मौत हयात पर मुख्तर खिताब किया शिरकत करने वाली नुमायाँ शख्सियात में साहबजादा इमाम इनकलाब कारी सफ़ी खान मुल्तानी अमीर पंजाब मौलाना नाल नौमानी कारी इनाम बलोच और दीगर शामिल थे तीसरी अहम ख़बर शामिल करें मरकज़ शेखुल कुरान में सैयद शफुल्ला शाह साहब बुखारी की जेर क्यादत अहम मीटिंग सात नवंबर को सुबह दस बजे मरकज़ शेखल कुरान में ज़िला रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के लिए सैद शफोल्ला शाह बुखारी की तरफ से एक अहम मीटिंग मनकद होगी जिसमें शिरकत के लिए खसूस दावत दी गई है इस मीटिंग का मकसद रूहानी असलाह और मसाइल का हल पेश करना है चौथी अहम खबर शामिल करें महफिल नात में तहफ़ की कुरानदी मुफ्ती मुनीबरहमान की शदीद तनकीद गुजत रोज़ महफिल नात में प्लाट उमरा टिकट और मोटरसाइकिल की कुरानंदाजी का ऐलान किया गया जिस पर जमात के अमीर मुफ्ती रहमान ने शदीद रद्दमल ज़ाहिर किया मुफ्ती साहब ने इसे दीन के साथ मजाक करार देते हुए कहा कि ये गैर इस्लामी कल्चर लोगों को माली फ़वाद के ज़रिए बरगलाने की कोशिश है और यह अमल दीन की सच्चाई के ख़िलाफ़ है उनका कहना था कि दीन के नाम पर पैसा कमाना और ग़रीब आवाम को धोखा देना नाकबले कबूल है इस तरह के बेजा नुमाइशी इकदाम बंद होने चाहिए ये थी आज की हम खबरें देखते रहिए शेजर टी वी और हमारे साथ रहिए मज़ीद मालूम और तजियात के लिए हमारी वीडियोज़ देखना मत भूलिए